हाय नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है फिर से कैंपस जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में। आप आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो लाए हुए हैं वैकेंसी, उसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आए। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको सारे चीज़ ए टू जेड जो है आपको समझ में आए। और किसी तरह का डाउट आता है या कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और जो नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं आज क्या है वैकेंसी। तो ये आई हुई है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है रायबरेली से निकली हुई वैकेंसी है जो कि ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी। और ये जो है 18 दिसंबर 2023 को पब्लिश की गई है। प्लेसमेंट का स्थान जो है राजकीय ITI गोरा बाजार रायबरेली से शुरू होगी। और ये प्लेसमेंट करने वाली जो कंपनी है वो कंपनी है डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि नोएडा की कंपनी है। ठीक है, ये आपको अलग अलग सेक्टरों में जो है ये वैकेंसी प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 21/12/2023 को जो है प्रातः 10 बजे से जो है ऑनलाइन के थ्रू जो है आप लोगों को क्या रखा गया है, इसमें वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो 21/12/2023 को जो है प्रातः 10 बजे से शुरू होगी इसकी जो इंटरव्यू है वो रखी गई है। और ये कंपनी का नाम जो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, जो कि सेक्टर 6 में है, फरीदाबाद हरियाणा में है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां रहती है, तो आप लोग जरूर इसमें ज्वाइन करें और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, चाहे वो ITI हो। ITI के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ये चारों सभी ट्रेड वाले जो है इसमें भाग ले सकते हैं। मतलब 10th-12th वाले भी भाग ले सकते हैं, ITI वाले भी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर डिप्लोमा कैंडिडेट इसमें जाते हैं तो उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, उसके लिए जो है अलग अलग फैकल्टीज रहेगी। तो ये जो है आपको पोस्ट रहेगी वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रहेगी। अप्रेंटिसशिप में जो है ITI वाले कैंडिडेट भाग लेंगे और जो ट्रेनिंग के लिए रहेंगे, स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए, उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले जो कैंडिडेट हैं इसमें भाग ले सकते हैं। टोटल जो है रिक्त पदों की संख्या जो है 50 रखी गई है और इसमें एज लिमिट जो है 18 से 26 वर्ष रखी गई है। स्टाइपेंड या तो वेतन जो मिलती है ITI पास वालों के लिए है 11,194 रुपये प्रतिमा, और जो है 10th-12th वालों के लिए 10,661 रुपये है। ठीक है, तो ये तो थी आपके लिए जो स्टाइपेंड कितना मिलेगा अप्रेंटिस के दौरान या तो स्टूडेंट ट्रेनिंग के दौरान, उसके बारे में डिटेल था। अब इसमें क्या क्या लेकर आना है वो चीज़ सारी चीज़ आपको दिखा सकते हैं कि अपना बायोडाटा लाना है, हाई स्कूल, इंटर, ITI का मार्कशीट लेकर आना है और प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी दो दो प्रतियों में पासपोर्ट साइज जो है 2 कलर फोटोग्राफ के साथ लेकर आना है। साथ में आधार कार्ड का छाया प्रति जो है 2 प्रति कॉपी लेकर आना है। चयन का जो है प्रक्रिया जो है इंटरव्यू का जो प्रक्रिया रखा गया है सिलेक्शन का, वो ऑनलाइन साक्षात के माध्यम से होगा। मतलब कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा खास खूबी ये है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ITI कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से आपका ऑनलाइन प्लेसमेंट किए जाएंगे। उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डिटेल के साथ जो है आपको इंटरव्यू में जो सिलेक्शन होंगे उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें ये सारी डिटेल दिया गया था जो कि आप देख सकते हैं, जो सभी को सूचनार्थ के रूप में दिए गए थे, तो आप लोग ये सारा चीज़ देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्लेसमेंट रखी गई है। और ये सारे जो है प्रधानाचार्य सर के थ्रू जो है यहाँ पे पब्लिश की गई है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लीजिए ताकि किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इसके अलावा भी इसमें क्या ITI, डिप्लोमा, 10th-12th, ये सारे पद वाले वैकेंसी वाले जो कैंडिडेट है इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये था टोटल नोटिफिकेशन, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।